हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाला हूं। क्या अभी भी उत्तर कुंजी मामले में नंबर बढ़ सकते हैं? क्या अभी भी उत्तर कुंजी मामला सुप्रीम कोर्ट से हल हो सकता है? दोस्तों, वो पूरा एपिसोड जरूर देखिएगा, आपको एक इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है और मैं बताने वाला हूँ कि आखिर कब होगी 69,000 उत्तर कुंजी मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिए, क्योंकि हमेशा सही सूचना सही समय पर लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल ये चल रहा है, कई सारे लोगों ने कमेंट के माध्यम से पूछा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में कब सुनवाई होगी, क्या उन लोगों का कुछ नहीं होगा जिनके एक से ज़्यादा नंबर कम है, क्या उन लोगों का कुछ नहीं होगा जिनका गुणांक अच्छा नहीं है लेकिन उन वो नंबर पा चुके हैं। दोस्तों, तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर कुंजी मामले में अभी भी बहुत सारी जान बाकी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर चर्चा नहीं हुई सही तरीके से, कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हुई और उन प्रश्नों पर नंबर मिलना लाजमी था, ज़रूरी था। चाहे वो कोई से प्रश्न उठा के देख लो, 4 से 5 प्रश्न अभी भी ऐसे हैं जिन पर संदेह है, जिन पर नंबर मिलने की पूरी पूरी संभावना है। सबसे बड़ा प्रश्न तो गोरखनाथ वाला है, उसके बाद एक संविधान सभा वाला प्रश्न है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर अभी भी नंबर मिलने की उम्मीद है, और संविधान सभा वाला प्रश्न तो शायद पिछली बार सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में उठा भी था। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल ये है कि 69,000 उत्तर कुंजी मामला एक रिट खारिज होने के बाद क्या दोबारा से स्टैंड करेगा? दोस्तों, ऐसा पहले कई बार भी हुआ है कि जब कोई याचिका सेम मामले से संबंधित खारिज हुई और उसके बाद फिर दूसरी याचिका स्टैंड हुई, तो ऐसे में ये उम्मीद नहीं छोड़नी है कि हम लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म हो गया। दोस्तों, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला स्टैंड हो सकता है, वहाँ से जीत मिल सकती है। दोस्तों, अब बात कर लेता हूँ कि 69,000 उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में कब होगी। तो दोस्तों, एक याचिका है जिसका डायरी नंबर 28580/2021, कृपाल वर्सेस यूपी स्टेट। दोस्तों, इस याचिका में पिछले 3 महीने से डिफेक्ट शो हो रहा है और लगभग 12 डिफेक्ट हैं इस याचिका के अंदर। दोस्तों, तो ये सारे डिफेक्ट दूर होने के बाद, जब किसी याचिका में डिफेक्ट होते हैं और वो डिफेक्ट दूर होते हैं उसके 15 दिन के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में जाती है, तो ये मान के चलिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो है 69,000 उत्तर कुंजी मामले की सुनवाई 15 फरवरी के आसपास देखने को मिल सकती है, या केस लिस्ट हो सकता है। सुनवाई में और समय लग सकता है, लेकिन ये केस जो है मेरे हिसाब से 15 फरवरी के आसपास इसकी सुनवाई देखने को मिल सकती है, या फिर केस लिस्ट हो सकता है, सुनवाई में थोड़ा समय लग सकता है। दोस्तों, कोई याचिका में जब डिफेक्ट होते हैं तो याचिका को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में समय लगता है, जब उसके डिफेक्ट दूर हो जाते हैं तब वो याचिका सुप्रीम कोर्ट में भेजी जाती है। तो दोस्तों, अभी थोड़ा सा समय है, आप लोग इंतज़ार कर लीजिए, लेकिन उम्मीद नहीं छोड़नी है अभी भी। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है और जीत भी ज़रूर मिलती है। दोस्तों, उम्मीद से अगर उम्मीद छोड़ देंगे तो हम हार जाएंगे, तो हारना नहीं है, जीतना है। दोस्तों, आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।